हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराधा शर्मा और आप इस समय मेरे स्टूडेंट के साथ हैं और ये लाए हैं आपके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो आज आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? इलेक्ट्रॉनिक क्विज बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक क्विज बोर्ड, जरा दिखाइए। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक क्विज बोर्ड है, इसमें क्या होता है जानवी? मैम, इसमें एक तरफ क्वेश्चन दिया होता है और एक तरफ आंसर। अगर हम किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, उसने सही आंसर दिया तो एलईडी जल जाएगी, वरना नहीं जलती एलईडी। अच्छा, जरा इसको करके दिखाइए, प्रैक्टिकली करके दिखाइए हमें। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप, जरा मुझे दिखाइए क्या किया आपने। अच्छा, बैटरी का एक वायर पॉजिटिव टर्मिनल आपने एलईडी में जोड़ा। अच्छा, अब आंसर के लिए क्या करना है? आतिफा बताओ, हाउ मेनी कलर इन रेनबो? रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर। अच्छा, इस तरह जोड़ देना है, जोड़िए। अच्छा, मतलब आंसर सही है तो दोनों एलईडी जल जाएगी, वेरी गुड। और अगर आंसर गलत होता है तो जरा दिखाइए आंसर गलत करके। अच्छा, मतलब अब हमने उसमें जोड़ा है, आप कौन सा अब आंसर ले रहे हैं? ग्रीन। हाउ मेनी कलर इन रेनबो, मतलब रेनबो का कलर ग्रीन, मतलब 7 होता है पर आपने ग्रीन डाला है। और इस समय ग्रीन करने पे आंसर गलत है और जिसके वजह से दोनों एलईडी नहीं जले, वेरी गुड। ये तो आप लोग का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और आपका दूसरा प्रोजेक्ट क्या है? सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन कहाँ पे होता है? सीरीज कनेक्शन हमारे इन्वर्टर में होता है, मतलब कि घरों में जो इन्वर्टर होता है उसका जो वायरिंग होता है वहाँ पे सीरीज कनेक्शन होता है। और पैरेलल कनेक्शन कहाँ होता है? अच्छा, घरों में, घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम, अगर पैरेलल कनेक्शन का अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तभी भी दोनों बल्ब जलते हैं, और अगर सीरीज कनेक्शन में एक भी बल्ब खराब हो जाता है तो बाकी के दो बल्ब भी नहीं जलते हैं। अच्छा, वेरी गुड। जरा मुझे पहले जला के दिखाइए और फिर फ्यूज करके दिखाइए। ये पैरेलल कनेक्शन है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, आप पॉजिटिव टर्मिनल जोड़िए, इधर पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव जोड़िए आप। ओके, मतलब दिखाइए जरा, वेरी गुड। मतलब कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ जोड़ा हुआ है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ा हुआ है, और ये आपका है पैरेलल कनेक्शन। अच्छा, सीरीज कनेक्शन जरा जला के दिखाइए। वेरी गुड, मतलब सीरीज में यहाँ पे दिख रहा है एक पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और ये, अच्छा अच्छा हाँ जल रही है, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, लेकिन पैरेलल में क्या हुआ है? मैम, सारा पॉजिटिव है और सारा नेगेटिव है, मतलब कि ये सारे पॉजिटिव एक साथ जुड़े हैं और ये सारे नेगेटिव एक साथ जुड़े हैं। तो इसमें फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा, जरा दिखाइए फ्यूज करके मुझे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एलईडी का कनेक्शन यहाँ कट चुका है और अब बैटरी हम कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करिए अभी बैटरी का, ये टूट गया है वायर, इसको वायर को लगाइए, पहले यहाँ से वायर लगाइए, उस वायर को जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए अच्छे से, जोड़िए उसको अच्छे से, लगा दीजिए, ठीक है, ओके। मतलब देख सकते हैं, जरा तीसरा एलईडी दिखाइए मुझे जो कनेक्शन कटा हुआ है, तीसरा एलईडी नहीं जल रहा है और दो एलईडी जल रहा है। और सीरीज में जरा फ्यूज करके दिखाइए, मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि तीसरा वाला जो बल्ब है वो उसका कनेक्शन कट चुका है और अब हम लगा रहे हैं बैटरी को, और यहाँ पे तीनों बल्ब नहीं जला। तो ये होता है डिफरेंस सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में, वेरी गुड। आप लोग का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा। चलो सान, एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए आप। अच्छा, लगाइए। ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप अपने घरों में, स्कूलों में ये प्रोजेक्ट बना के बच्चों से करवा सकते हैं। ओके, देख सकते हैं कि जैसे ही इन्होंने सही आंसर लगाया है दोनों एलईडी जल गई है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसको घर पे बनवा सकते हैं, स्कूल में बना सकते हैं, और इससे बच्चे सीख सकते हैं कुछ। और आपको पता ही है, बच्चे प्रैक्टिकल वर्क बहुत
ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर बच्चों का प्रैक्टिकल वर्क करवाओगे तो उनको ज़्यादा नॉलेज गेन होगा और उनको क्वेश्चन आंसर जल्दी से लर्न हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है? यस मैम। अच्छा, तो आप जनता से कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके, तो कमेंट में क्या चाहते हैं? जो भी आपको हमारे वीडियो में अच्छा लगा हो और बुरा लगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, वेरी गुड। तो तब तक के लिए आप क्या करना चाहते हैं? बाय। ओके, बाय।